तो रामदेव के यहाँ है तो ये छोटे दुकानदार के यहाँ, एक चक्की वाले के यहाँ भी ब्रांडेड है वो, क्योंकि वो भी वही गेहूँ पीस रहा है। सरकार चंद लोगों के हाथ में पूरे देश का धन इकट्ठा करना चाहती है, वो लोग बना रहे ब्रांडेड, सरकार उसको ब्रांडेड कह रही है, और आप उसको ब्रांडेड कर रहे हैं, आप उसका प्रचार कर रहे हैं, आप उनका प्रचार कर रहे हैं, गंदे लोगों का, आप झूठे लोगों का प्रचार कर रहे हैं जिसे आप ब्रांडेड कह रहे हैं। वो यहीं के लोग थे, यहीं का गेहूँ खरीदा और यहीं का आटा बनाया, ब्रांडेड कर दिया। तो आपको सरकार चलाने के लिए उनके झूठे भ्रम को फैलाना है, आप लोग कभी ईमानदार होंगे? वो कपड़ा लिया जाएगा, वो दुकानदार जो है उस पर जीएसटी नहीं लेगा? लेगा ना। तो जब आप कफन पे जीएसटी ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप मुर्दों को क्या राहत दे रहे हैं? और अगर आप मुर्दों को राहत दे रहे हैं तो आप मुर्दों को जीएसटी मुक्त करके आप फायदा देना चाहते हैं? आप लोग चुन रहे हैं और ईवीएम चुन रही है, जनता नहीं चुन रही है। आप लोग जिनको महंगाई पर बोलने का समय नहीं है, जिनको बेरोजगारी पर बोलने का समय नहीं है, जो लोग सच को सच कहने की हिम्मत नहीं करते, जो लोग गुलाम मानसिकता के लोग हैं, वो लोग सरकार को भ्रम फैला के चला रहे हैं, और इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने अभी श्रीलंका का है। आपने कल तक जितने सारे गुंडे लफंगे चोर उचक्के थे वो इनके साथ आके सब दूध के दूल्हे हो गए। अरे भाई, ब्रांडेड हो सकती है बाहर, ब्रांडेड अगर है तो रामदेव के यहाँ है तो ये छोटे दुकानदार के यहाँ, एक चक्की वाले के यहाँ भी ब्रांडेड है वो, क्योंकि वो भी वही गेहूँ पीस रहा है। हाँ, खुले आटे पे कहाँ जीएसटी है सर? कहाँ टैक्स? कहाँ नहीं है? दही खरीदी आप, कहाँ टैक्स? कहाँ नहीं है वो जगह आप बताइए पहले, कहाँ टैक्स नहीं है वो जगह आप बताइए, आप बताइए पहले कहाँ टैक्स नहीं है वो जगह मुझे आप बताइए। अगर टैक्स सरकार नहीं लेगी तो देश कैसे चलेगा? हाँ, अब आप यहाँ आए तो आपको सरकार चलाने के लिए उनके झूठे भ्रम को फैलाना है, आप लोग कभी ईमानदार होंगे? आपको ये जो भ्रम है ये आपका कब टूटेगा कि आप सच्चाई की बात कहने लगे? भारत की पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ होता था, तो सच्चाई के कहने आए हैं। तो मैं आपसे बता तो रहा हूँ कि भारत के इसी देश का गेहूं इसी देश में ब्रांडेड बनाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैं कह तो रहा हूँ आपको। फिर आप क्या सवाल कर रहे हैं? सरकार बना रही है ब्रांडेड या कंपनियां बना रही है ब्रांडेड? सरकार चंद लोगों के हाथ में पूरे देश का धन इकट्ठा करना चाहती है, वो लोग बना रहे ब्रांडेड, सरकार उसको ब्रांडेड कह रही है, और आप उसको ब्रांडेड कर रहे हैं, आप उसका प्रचार कर रहे हैं, आप उनका प्रचार कर रहे हैं, गंदे लोगों का, आप झूठे लोगों का प्रचार कर रहे हैं जिसे आप ब्रांडेड कह रहे हैं। वो यहीं के लोग थे, यहीं का गेहूँ खरीदा और यहीं का आटा बनाया, ब्रांडेड कर दिया। आपने कहा हम जनता को स्वदेशी कहा, इसलिए वो कहते हैं स्वदेशी। मैं कब कह रहा हूँ कि विदेशी है? मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन उस पर टैक्स किस लिए? किसान को कोई फायदा नहीं मिल रहा, और जो इनका धन्ना सेठ है उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। ये फायदा किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसान यहाँ बैठा रहता है, किसान को आतंकवादी कहा जाता है। कौन सी सरकार है जो धन्ना सेठों को फायदा नहीं पहुँचाती? एकनाथ सरकार का नाम बताइए भाई। अभी 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 तक देश में ये स्थिति नहीं पैदा हुई थी जो आज है, ये स्थिति नहीं पैदा हुई थी। आज जो पोजीशन है, आज हर चीज पर जिस तरह जीएसटी लगाई जा रही है, उत्पाद पर किसानों को, किसान एमएसपी की बात करता है तो उस पर सुनवाई नहीं होती, और जीएसटी के बाद जो है, मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ नहीं है वो बताइए। मुर्दे को जलाने जाएंगे मतलब उस पर जीएसटी नहीं है? जो कपड़ा लिया जाएगा उस पर जीएसटी है? जो कपड़ा लिया जाएगा वो दुकानदार जो है उस पर जीएसटी नहीं लेगा? लेगा ना। तो जब आप कफन पे जीएसटी ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप मुर्दों को क्या राहत दे रहे हैं? और अगर आप मुर्दों को राहत दे रहे हैं तो आप मुर्दों को जीएसटी मुक्त करके आप फायदा देना चाहते हैं? सर, सवाल यही है, लाख बुराई है सरकार में, लेकिन जनता चुन रही है ना, सवाल सबसे बड़ा। जनता नहीं चुन रही है। कौन चुन रहा है? आप लोग चुन रहे हैं और ईवीएम चुन रही है, जनता नहीं चुन रही है। आप लोग जिनको महंगाई पर बोलने का समय नहीं है, जिनको बेरोजगारी पर बोलने का समय नहीं है, जो लोग सच को सच कहने की हिम्मत नहीं करते, जो लोग गुलाम मानसिकता के लोग हैं, वो लोग सरकार को भ्रम फैला के चला रहे हैं, और इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने अभी श्रीलंका का है, आपने देखा है, ठीक है ना। ईवीएम पे आरोप लगाते हैं आप, ईवीएम पे कितने आंदोलन हो रहे हैं? ईवीएम पे तो सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोगों ने कहा, सारे लोगों ने बोला हमेशा जब आया है सबने कहा कि भाई बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए, सभी ने डिमांड की है। कौन सी पार्टी कह रही है सर? सारी पार्टियों ने कहा है, किसने नहीं कहा? यहाँ तक कि चलिए ट्विटर पे कहना होता है। चलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे आपको फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको याद नहीं क्या, ये मोदी जी खुद कहते थे कि इसे हटाओ, मोदी जी कहते थे, क्या कहते थे उनके झूठ का प्रचार करोगे? क्या क्या कहते, उनको झूठा कहो ना, आप कहो उनको झूठा कि मोदी जी झूठा प्रचार कर रहे हैं।
वो कह रहे जनता अपना रही है, मुझे बहुमत दे रही है। कोई बात नहीं, जनता अपना रही है तो आप तो बोलिए, आप चौथा स्तंभ की अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए, आप तो बोलिए। आप बोलिए, हम दिखा रहे हैं ना, देखिए। मैं कह तो रहा हूँ कि मोदी जी खुद इसे ईवीएम जागरूक कैसे करेंगे आप मेरे सवाल को नहीं ले रहे हैं, आप बार बार सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह तो रहा हूँ ना कि मोदी जी खुद इसका विरोध कर रहे थे, अब आप इससे संतुष्ट हैं? जीएसटी का विरोध कर रहे थे, नोटबंदी का भी विरोध कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि कल तक जितने सारे गुंडे लफंगे चोर उचक्के थे वो इनके साथ आगे सब दूध के दूल्हे हो गए, इसका मतलब ये हुआ? इसका मतलब ये हुआ दूध के दूल्हे हो गए वो सारे? नहीं, आप कह रहे हैं ना, जैसा आप कह रहे हैं मोदी जी तो पहले ऐसा बोलते थे और अभी ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके साथ आने के बाद सारे चोर उचक्के लूट लफंगे जितने हैं वो सब दूध के दूल्हे हो जाते हैं, यही कहना है ना आपका?